हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न बहुत ही खास है जो आपकी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, हम ऐसे प्रश्न लाते हैं जो आपकी एग्जाम से संबंधित हैं। रीजनिंग के 5 बेहतरीन प्रश्न हैं जो आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। रीजनिंग का पार्ट नंबर 62 है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, क्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा? देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहीं पर, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपकी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है, C7D, ठीक है, F13G और I19J क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले देखिए जो अक्षर हैं, इन्हें हम अंक में कन्वर्ट करेंगे तभी ये प्रश्न सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले ABCD में आपको पता होगा कि 26 अक्षर होते हैं, ठीक है, जो कि ए एक नंबर पड़ता है, बी दो नंबर पड़ता है, सी 3 नंबर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी दिया है, तो ये कितने नंबर पड़ा, 3, ठीक है। और एफ किस नंबर पड़ता है, 6 नंबर पड़ता है, ठीक है। और आई किस नंबर पड़ता है, 9 नंबर पड़ता है। देखिए हमने क्या किया, पहले इसे अंक में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 में क्या किया है, 3 में 3 जोड़ दिया है तो कितना हो गया है, 6 हो गया है, ठीक है। और फिर क्या किया है, 6 में 3 जोड़ा है तो क्या हो गया है, 9 हो गया है, यानी कि 3 3 संख्याएँ जोड़ता गया है। अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, अगर हम 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, देखिए 12 होगा ना। अब 12 किस नंबर पड़ता है, वो यल किस नंबर पर, यल नंबर पड़ता है, तो पहला संख्या तो क्या, तो कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यल, ठीक है, यानी कि पहला संख्या हमें प्राप्त हो गया। अब उसके बाद हम दूसरी संख्या ज्ञात करते हैं, देखिए क्या दिया है, 7 दिया है और 13 दिया है, ठीक है, क्या दिया है, 7 और 13, देखिए 7 और 13 के बीच का गैप कितना है, 7 में कितना जोड़ा है, 6 जोड़ा है, 7 में कितना जोड़ा है, 6 जोड़ा है, तो कितना हो गया, 13, ठीक है। फिर क्या किया है, 13 में कितना जोड़ा है, 19 हो गया है, 13 में 6 जोड़ा है तो 19 हो गया है, ठीक है, 13 में 6 जोड़ा है तो 19 हो गया है, यानी कि इन सब में 6 6 जोड़ता गया है, ठीक है। अब उसके बाद 19 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, तो देखिए यहाँ पर 25 आ गया, यानी कि हमने दो स्टेप सॉल्व कर लिए, यल आ गया और 25 आ गया। अब हमें कौन सा स्टेप सॉल्व करना है, डी वाला, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसे भी हम क्या करेंगे, अंक में कन्वर्ट करेंगे, देखिए डी किस नंबर पड़ता है, 4, डी किस नंबर पड़ता है हमारा, 4, ठीक है, और जी किस नंबर पड़ता है, 7, ठीक है, और जे किस नंबर पड़ता है, ओ पड़ता है हमारा, किस नंबर पड़ता है बताइए, 10 नंबर पड़ता है, किस पे, 10, ठीक है। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे तभी ऐसे प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए अब क्या किया है, 4 में क्या किया है, 4 में 3 जोड़ा है, कितना, 3 जोड़ा है तो 7 हो गया है, और 7 में कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है तो 10 हो गया है, ठीक है। अब 10 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी कि 13 आ गया, ठीक है। 13 किस नंबर पर आता है, यम यम नंबर पर 13 आता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम, यानी कि यल 25 M भरा जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने इसे कैसे सॉल्व किया, पहले इन अक्षरों को हमने क्या किया, संख्या में कन्वर्ट कर लिया, फिर इनकी श्रृंखला बनाई, ठीक है, जो श्रृंखलाएं इनकी बराबर बराबर की थी, ठीक है, तभी हमारा ऑप्शन सी सही हो पाया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बहुत ही आसान से आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहीं पर है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए दोस्तों हम इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें क्या किया है, इसमें कौन सी श्रृंखलाएं चल रही हैं, ठीक है, देखिए कौन सी श्रृंखलाएं चल रही हैं, एक में क्या किया है, +8 किया है तो 9 हो गया, ठीक है, और 9 में क्या किया है, 9 में +8 किया है तो कितना हो गया है, 17 हो गया है, ठीक है, यानी कि इनमें कितना, एक में 8 जोड़ा तो 9 हो गया, 9 में 8 जोड़ा तो 17 हो गया। अब 17 में कितना जोड़ा है, देखिए दोस्तों 17 में कितना जोड़ा है कि 33 हो गया, 17 में 16 जोड़ा है, कितना, 16 जोड़ा है तो 33 हो गया, और 33 में कितना जोड़ा है कि 49 हो गया, 33 में 16 जोड़ा है, ठीक है, 33 में 16 जोड़ा है। उसी प्रकार देखिए इसमें क्या किया, 49 में कितना जोड़ा है कि 73 आ गया, 49 में कितना जोड़ेगा, 24, कितना जोड़ा है, 24 जोड़ा है तो 73 आ गया है।
इस 49 में 24 जोड़ा है, 73 आ गया है। अब क्या करेंगे, 73 में हम कितना जोड़ेंगे कि क्वेश्चन मार्क की संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। देखिए वो कैसे प्राप्त होगी, देखिए दो दो संख्याएं में, देखिए दो में क्या क्या है, 8-8 जोड़ा है, ठीक है, इसमें 8-8 जोड़ा है, इसमें 16-16 जोड़ा है, तो इसमें 24-24 जोड़ेगा, ठीक है, एक 24 जोड़ा, अब दूसरा 24 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, अगर 73 में हम 24 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 97, कितना आ जाएगा, 97, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 97, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक भरा जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहीं पर है, ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए, इन्हीं में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया, 19-17 क्वेश्चन मार्क, 11-7, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या किया, 19 में से माइनस कितना 2 कर दिया है, ठीक है। देखिए दोस्तों पहले माइनस 2 किया है, अब क्या करेगा कि हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कोई संख्या आ जाएगा, ठीक है। कैसे पता करेंगे, देखिए दोस्तों हम माइनस 4 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है, 13 आ जाएगा ना। देखिए पहले हमने 2 माइनस किया, उसके बाद 4, अब देखिए 13 में से फिर 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। और 11 में से अगर हम फिर माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 7 आ गया, देखिए ये स्टेप फॉलो करते चले गए, कौन सा, देखिए पहले हमने 2 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, यानी कि ये श्रृंखलाएं बराबर चलती चली गई, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आ गई, 13, ठीक है। देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए दोस्तों 4 विकल्प दिए हुए, इन्हीं से एक विकल्प को चुनना है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो चलिए दोस्तों इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, 9, 12, 11, 14, 13 क्वेश्चन मार्क और 15, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखिए 9 में क्या किया है, 9 में प्लस 3 कर दिया है तो 12 हो गया है, ठीक है, और 12 में से माइनस 1 कर दिया है तो 11 हो गया है, ठीक है, और 11 में प्लस 3 कर दिया है तो कितना हो गया है, 14 हो गया है, और 14 में माइनस 1 कर दिया है तो 13 हो गया है। देखो दोस्तों ये श्रृंखलाएँ कैसे चल रही है, पहले हमने 3 जोड़ा, फिर 1 माइनस किया, फिर 3 जोड़ा, फिर 1 माइनस किया, अब क्या करेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। अब 16 में से माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, देखिए यहाँ पर 15 भी आ गया, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 16, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, 9 में 3 जोड़ा तो 12 हो गया, 12 में से माइनस 1 किया तो 11 हो गया, ठीक है, 11 में से हमने 3 जोड़ा तो 14 हो गया, 14 में से हमने माइनस 1 किया तो 13 हो गया, और 13 में क्या किया, 13 में 3 जोड़ा तो 16 आ गया, और 16 में से माइनस 1 किया तो यहाँ पर 15 आ गया, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा कितना गया, 16, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प भरा जाएगा। देखिए दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे यहीं पर है, ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, पूछा भी जा सकता है। तो चलिए दोस्तों इसे फटाफट सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया दोस्तों, 56, 81, 64, 27, 16, 9 और क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मात्र कुछ ही सेकंड में। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 256, ठीक है, इस वाली संख्या को छोड़ देंगे, ठीक है, एक एक संख्या के छोड़ के हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया, 256 और 64, इनके बीच हम क्या कर सकते हैं, आ तो भाग दे सकते हैं, आ तो माइनस, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भाग, किस संख्या से भाग देंगे कि हमारा 64 आ जाएगा। ठीक है, 256 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आएगा, ठीक है, और 64 में हम फिर 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। अब 16 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 4, किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। देखिए हमने 256 में 4 से भाग दिया तो 64 आ गया, 64 में हमने 4 से भाग दिया तो 16 आ गया, 16 हमने 4 से भाग दिया तो
चार आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है चार, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही।